गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी, उसके 5 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। 6 क्वेश्चन से रेगुलर क्या क्या दिए हमने एक्सरसाइज 4.3। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या दिए हैं, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। इसने क्या कहा है कि वर्क डन is directly proportional to distance traveled by body, distance traveled by body। ठीक है भाई, तो work done को हमने क्या कर लिया, let work done को हमने w suppose कर लिया, और बेटा distance को हमने क्या कर लिया, distance को हमने d suppose कर लिया। ठीक है भाई, डिस्टेंस को डी सपोज कर लिया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये हमसे, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको दो वेरिएबल की इक्वेशन में हम क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें बाय टेकिंग अ कांस्टेंट फोर्स एट 5 यूनिट। अगर बेटा कभी भी ऐसी सिचुएशन है आपके पास, आपने साइंस में अच्छे से पढ़ा है, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं। K K belongs to real number, K कोई भी real value हो सकती है बेटा, लेकिन W और D यहाँ पर क्या रहेंगे, ये variable रहेंगे। जैसे हम X और Y को variable लेते थे ना, W और D हमारा as it is वैसे ही काम करेंगे। इन्होंने फिर हमें कह भी दिया कि जो force है वो constant है। ठीक है, आप यहाँ पर K की बजाय F भी लगा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर F हो सकता है, और force इन्होंने दे दिया, force क्या दे दिया बेटा, हमें force दे दिया 5 यूनिट। फोर्स क्या दिया इन्होंने, इन्होंने फोर्स दिया है 5 यूनिट। अगर फोर्स इन्होंने 5 यूनिट दिया है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डी हो जाएगा। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी। इसके बाद इसने कहा है एंड आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसका आप क्या करिए बेटा, ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखिए ऐसे इस टाइप से बनेगा। W और D में हम वैल्यू पहले क्या निकाल लेते हैं, केवल निकाल लेते हैं। अगर मैं W की वैल्यू 0 ले लूं तो बेटा D की वैल्यू भी 0 होगी। अगर D की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं तो 5 W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर मैं D की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहां पर इसको हम W मान लेते हैं और इसको हम D मान लेते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने कोई इंडिकेट नहीं करा था कि किसको हमने कहां पे लेना है, तो हम दोनों में से इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। तो बेटा यहाँ पर हम इंडिकेट कर लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमने 2, 2 का डिफरेंस ले लिया बेटा, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6। यहाँ पर हमने 1, 1 का डिफरेंस ले लिया, 1, 2, 3, यहाँ पर माइनस 1, माइनस 2। 0 पर वैल्यू बेटा कैसी है, 0 है, 0, 0 कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और W की वैल्यू 10, D की वैल्यू 2, 10 पर D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और बेटा 1 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 4 और 6 के बीच में बेटा 5 कहाँ हो जाएगा, 5। तो इस टाइप से आप इसको ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपको जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा ये ग्राफ। तो इस टाइप से आपका ये स्ट्रेट लग, अभी भी स्ट्रेट नहीं बना है, अच्छे से स्ट्रेट नहीं। इस टाइप से आपका ये ग्राफ बनेगा बेटा। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका यहाँ हो जाएगा, 10 के 2। ठीक है, तो इस टाइप से आपका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर W 2 यूनिट है, अगर B हमारी 2 यूनिट है, डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस 2 है, तो ग्राफ की वैल्यू कितनी होगी, ग्राफ की वैल्यू बेटा W की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। और अगर WD हमारा 0 है, डिस्टेंस 0 है, तो हमारे पास W की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, इफ D इज 2 देन W इज इक्वल टू 10 यूनिट, और अगर D की वैल्यू 0 है तो देन W इज इक्वल टू 0 यूनिट। गेट इट बेटा, तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ 11th 9th क्लास टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। बेटा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है और उसमें यामिनी और फातिमा क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों मिलकर 100 रुपीज। फिर आपको प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आपको इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और फिर इसका ग्राफ बनाना है। लेट यामिनी कंट्रीब्यूट, यामिनी कंट्रीब्यूट रुपीज एक्स, और लेट फातिमा, फातिमा कंट्रीब्यूट, फातिमा कंट्रीब्यूट कर रही है बेटा वाई रुपीज। ठीक है, इन पीएम फंड लिख सकते हैं यहां पर पीएम फंड। तो बेटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास क्या दिया हुआ है, इन दोनों ने मिलकर कितना रुपीज दिया है, 100 रुपीज दिया है। तो ये जो हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर हमें इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है तो इसको ग्राफ पर भी प्लॉट कर सकते हैं आप। एक्स और वाई में टेबल बना लीजिए, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 100। तो यहाँ पर आप एक्स ले लीजिए, एक्स डैश ले लीजिए, वाई ले लीजिए, वाई डैश ले लीजिए, ये 4। हम यहाँ पर 50-50 का डिफरेंस डालते हैं, 50, 100, 150। यहाँ पर 50, 100, 150, यहाँ पर -50, -100, यहाँ पर नीचे -50, -100। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 100 है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, गेट इट। तो इस टाइप से बेटा आपका 7th क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, वेयर इन कंट्री इन इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट, फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में बेटा एक इक्वेशन। देखो यूएसए और कनाडा में जब भी हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो बेटा वो फारेनहाइट में नोट करते हैं, और अपने इंडिया में जो टेम्परेचर नोट होता है वो मैक्सिमम सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फारेनहाइट और सेल्सियस में बेटा इन्होंने हमें एक कंडीशन दे रखी है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दैट इज f इज इक्वल टू 9/5c + 32। ठीक है, आपको वैसे भी लर्न होनी चाहिए बेटा साइंस के अकॉर्डिंग, ये फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन का फॉर्मूला बनेगा 9/5c + 32। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वो यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस। आपने c को क्या लेना है, x एक्सिस लेना है, और बेटा फारेनहाइट को क्या लेना है, फारेनहाइट को y एक्सिस लेना है। इसको लेकर आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, f और c की दो वैल्यू लेंगे, f और c की दो वैल्यू लेने के बाद फिर इसको ग्राफ पुट करेंगे। f की वैल्यू अगर हमने, c की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 32। अगर c की वैल्यू हमने कुछ और रख ली, जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ पर 10 रख लिया, c की वैल्यू 10 रख ली, c की वैल्यू 10 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 9/5 × 10 + 32। तो 5 से करके 2 पे, 9 × 2 = 18, 18 + 32 50 हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी बेटा 50। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर कैसे प्लॉट होगी, f की वैल्यू 32, c की वैल्यू 0, f c को आपने x ही लिया है, x x डैश y y डैश, इसको भी आप नीचे तक बना लीजिए। अब x c की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 0 तो f की वैल्यू 32, हम इक्वल इक्वल इंटरवल लगा लेते हैं बेटा, इक्वल इक्वल इंटरवल लगाएंगे तो यहां पर कितने कितने का इंटरवल लगाएंगे, 10 10 का इंटरवल लगा लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, और यहां पर अपना हो जाएगा पॉजिटिव 10 20 30 40 50, यहां पर नेगेटिव 10 नेगेटिव 20 नेगेटिव 30 नेगेटिव 40, यहां पर माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 और माइनस का 40। इस टाइप से बेटा आपने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लिया। वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के बाद सी की वैल्यू 0
f की वैल्यू 32, c की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 32, आपका पॉइंट यहां कहीं बनेगा, एक पॉइंट ये बन गया 32 में, और c की वैल्यू 10 y की वैल्यू 50, c की वैल्यू 10 x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 50, c की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50, आपका ग्राफ ये बनेगा। तो इस टाइप से बेटा ये आपका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं से निकलता हुआ जाएगा, ठीक है बेटा। और यहां पर देखिए एक ये कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर x और y की वैल्यू सेम होंगी, वो पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला क्या है, x की वैल्यू -40 और y की वैल्यू भी -40। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में सेकंड पहला तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, c को x एक्सिस ले लिया, f को y एक्सिस ले लिया और उसके बाद इनका ग्राफ बना लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, T 30 डिग्री सेल्सियस हो तो f की वैल्यू क्या होगी, T को 30 डिग्री पुट कर दीजिए बेटा, 9/5 × 30 और 5 से इसको काट दिया 6 में प्लस 32, 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86 डिग्री फारेनहाइट। यानी कि अगर T की वैल्यू 30 होगी, T की वैल्यू 30 पे तो ये जो वैल्यू होगी वो 86 पे कहीं जाएगी, ठीक है बेटा, 86 पर ये वैल्यू जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन में बोला है अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फारेनहाइट हो, फारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो 95 हो तो बेटा सी कितना होगा। देखिए एफ की वैल्यू 95 रख लीजिए, एफ की वैल्यू 95 रखने के बाद 32 इक्वल से इधर आएगा, पहले इक्वल से उधर क्या रह जाएगा बेटा अपना 9/5 सी, 95 में से 32 सबट्रैक्ट होने के बाद क्या बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो इधर अपने c की वैल्यू रह जाएगी, इधर आने के बाद 5 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा 7/5 = 35, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, तो f 95 जो होगा वो c 35 पर होगा, ठीक है भाई। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में इफ द टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, c की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, डायरेक्टली पास हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा और ये 32 आ जाएगा, ये आपका फोर्थ पार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या गिवन है, अगर f की वैल्यू यहां पर 0 दी हुई है तो अच्छा फोर्थ का एक और पार्ट है, अगर f की वैल्यू 0 हो तो c की वैल्यू क्या होगी, अगर f की वैल्यू 0 है तो यहां 0 हो जाएगा, 32 उधर जाने के बाद माइनस का, इसका सेकंड पार्ट है फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो यहां पे कर देते हैं हम इसको, अगर c f की वैल्यू 0 ले लिया तो 0 हो गया, यहां पे 9/5 c और ये 32 इक्वल से उधर जाने के बाद यहां माइनस का 32 हो जाएगा, तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, इसको सॉल्व कर लीजिए -160/9, सॉल्व करने के बाद डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने कहा है Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius are equal? देखिए हमने स्टार्टिंग में जब आपका ग्राफ बनाया था तभी हम आपको बताया था कि कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही इक्वल होंगे, और वो पॉइंट हमने यहाँ पे लास्ट में बनाया था बेटा यहाँ पे, तो -40 पर अगर फिर भी आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप मान लीजिए f is equal to क्या होगा c होगा, f को c रख लीजिए या c को f रख लीजिए, आपने क्या रखा c को f रख लिया, c को f रखने के बाद इक्वल से उधर ले जाएंगे तो f माइनस 9/5 f हो जाएगा इक्वल टू 32, एलसीएम ले लीजिए 5f माइनस 9f हो जाएगा बाय में 5 इक्वल टू 32, यहां पर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 4/5f आ जाएगा, और f की वैल्यू निकालने के लिए 5 इक्वल से उधर और नीचे 4, माइनस का बचेगा ना बेटा, माइनस का बचने के कारण माइनस नीचे चला जाएगा, 4 × 8 = 32, 8 × 5 का कितना आ जाएगा 40, -40 ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर f और c दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इस टाइप से बेटा आपका ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप से बेटा आपकी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपने ये एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।